हाय लवलीज, मेरा नाम है आरजे महक और आपकी ढेर सारी रिक्वेस्ट के बाद मैं जो वीडियो बनाने वाली हूँ, ग्लिसरीन का यूज कैसे किया जाए, उसके क्या क्या ब्यूटी बेनिफिट्स हो सकते हैं हमारे स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए। ग्लिसरीन को आप फेस वॉश की तरह भी यूज कर सकते हो, सिर्फ ग्लिसरीन को ही हाथों में लेके आप फेस पे वॉश कर सकते हो, आपका स्किन क्लीन होगा, मॉइस्चराइज भी होगा, थोड़ा सा ग्लो भी आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके फेस वॉश में आपको थोड़ा सा ग्लिसरीन ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। एक आप स्प्रे बॉटल ले लीजिए, उसमें अगर 7 से 8 पार्ट्स आप पानी भरते हैं तो 1 कैप छोटा सा ग्लिसरीन की बॉटल का कैप आता है, उसको आप डाल दीजिए पानी में, शेक करके आप टोनर की तरह यूज कर सकते हैं। ग्लिसरीन है वो स्किन को सॉफ्ट बनाता है, स्मूथ बनाता है, ग्लॉसी बनाता है, उसे मॉइस्चराइज करता है और स्किन के पिंपल्स, एक्ने, ब्लैक हेड्स जैसे प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। मेरी भी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो सेंसिटिव स्किन वाले भी ग्लिसरीन को यूज कर सकते हैं। ग्लिसरीन नॉन टॉक्सिक होता है, उसमें ऐसे कोई भी हानिकारक केमिकल्स नहीं पाए जाते हैं कि आपकी स्किन में ड्राइनेस आ जाएगी या मॉइस्चर चला जाएगा या कोई रिएक्शन आएगा। ग्लिसरीन अगर आपको पता करना है कि आपकी स्किन को सूट करता है कि नहीं, तो आप इनफैक्ट कानों के पीछे वाला जो पोर्शन होता है ना हमारा, वहां पे भी उस प्रोडक्ट को रख के आप देख सकते हो कि आपको कुछ दाने दाने नहीं आ गए हैं ना, या फिर कुछ रेडनेस नहीं आ गया है, इची फील नहीं कर रहा है, तो वो प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो, चाहे मेकअप का हो या स्किन केयर का हो, आप ऐसे उसे टेस्ट कर सकते हैं। ड्राई स्किन वालों के लिए ग्लिसरीन आपकी स्किन में जो हाइड्रेशन है, जो वाटर है, उसको रिटेन करने में ये बहुत काम आता है। तो आप आपके फेस पैक्स में डाल सकते हो, फेस वॉश में ऐड कर सकते हो, इनफैक्ट जब आप नहाने वाले हो तो आपका जो बाथ जेल होता है उसमें भी आप डाल सकते हो। और आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे ऐसे सोप्स मिलते हैं जो ग्लिसरीन के होते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है और आपको कोई स्क्रब यूज करना है तो आप आपके स्क्रब को डाइल्यूट करने के लिए, थोड़ा और माइल्ड बनाने के लिए भी उसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन ऐड कर सकते हैं। अभी जैसे विंटर चल रहा है और सबको क्रैक हील्स का काफी प्रॉब्लम होता है, आप रात में आपके पैर के वॉश करके उस पर ग्लिसरीन है वो पूरे पैरों पे लगा दो और सॉक्स पहन के सो जाओ, सुबह आप देखोगे तो आपके पैर काफी सॉफ्ट हो गए होंगे। अभी भी हम नेल पॉलिश को रिमूव करते हैं नेल पॉलिश रिमूवर से, क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है, स्पिरिट होता है, हमारे जो नेल्स होते हैं ना वो काफी ड्राई हो जाते हैं, तो उसके बाद आप थोड़ा सा ग्लिसरीन अपने नाखून पे लगाओगे तो आपके जो नेल्स हैं वो काफी सॉफ्ट हो जाएंगे, तो धीरे धीरे उसकी शाइन भी वापस आएगी ग्लिसरीन से। कहीं पे जला हुआ है, कहीं पे कुछ लगा हुआ है आपको, अगर आप थोड़ा सा कॉटन बॉल में ग्लिसरीन लगाओगे तो भी आपको काफी हीलिंग प्रॉपर्टीज भी होती है ग्लिसरीन में, जिसकी कोई स्मेल भी नहीं होती है और जिसका कोई कलर भी नहीं होता है, तो आपको जो एलर्जी जिसको होती है ना कुछ स्ट्रॉन्ग स्मेल की या कुछ कलर की, तो उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। मैं आपको कुछ रेसिपीज शेयर करने वाली हूँ ग्लिसरीन को यूज करके, जिसमें से सबसे पहली है DIY टोनर। 3 पार्ट्स आपको लेना है रोज वाटर एंड 1 पार्ट आप ले रहे हो ग्लिसरीन, दोनों को मिक्स कर दीजिए, अच्छे से टोनर का काम करेगा। अगर आपको मॉइस्चराइजर बनाना है तो 1 टेबलस्पून आप ग्लिसरीन अगर डाल रहे हो तो उसमें 1/4 टीस्पून आप लेमन जूस डाल सकते हो, और रात को आप अगर सोने जा रहे हो तो उससे पहले आप आपकी उंगलियों से या कॉटन से आपके फेस पे लगा सकते हो, आपके हाथों या पैरों पर भी लगा सकते हो। नहाने से पहले वो अच्छे से मॉइस्चराइज करना है तो आपको चाहिए होगा ग्लिसरीन, वैसलीन और विटामिन ई कैप्सूल। तीनों की 1-1 टीस्पून आपको क्वांटिटी में लेना है, मिक्स करना है और पूरी बॉडी पर अप्लाई करके 1/2 घंटा आपको रहने देना है और फिर आप शावर ले सकते हो। ये सभी स्किन के लिए सूटेबल रहेगा। अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है तो आपको चाहिए 1 टीस्पून वैसलीन और 1 टीस्पून ग्लिसरीन, दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करके आप फेस और बॉडी पर पूरी रात रख सकते हैं, तो एक्सट्रीमली ड्राई स्किन में आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगर आप मेरी तरह एसी में काम करते हैं, एसी में बैठते हैं, तो आपके हाथ बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, पैर ड्राई हो जाते हैं। रोज वाटर अगर आप 10 टीस्पून ले रहे हो तो उसमें 1 टीस्पून यानी कि 10:1 का रेशियो लेकर दोनों को मिक्स करना है और आप आपके हाथ, पैर या फेस पे लगा सकते हो।
आपकी ऑफिस के ड्रॉअर में ये मिक्सचर को कोई बॉटल में भर के आप रोज यूज कर सकते हो। अगर आपको ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप आलमंड यानी कि बादाम को थोड़ा सा क्रश कर दो और उसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन ऐड करके दोनों का मिक्सचर है उसे हल्के हाथों से आपके नाक या आपकी चिन जहाँ पे भी आपको ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स का प्रॉब्लम है स्लोली स्लोली मसाज करके उसे वॉश कर सकते हैं। अगर आपको एकदम अफोर्डेबल एंटी एजिंग सीरम बनाना है तो आपको तो एक टेबलस्पून ग्लिसरीन में आप दो ये छोटे छोटे कैप्सूल है विटामिन ई के उसे कट करके डाल के मिक्स करके उसे भी आपके फेस पर लगा सकते हैं तो ये आपका DIY अफोर्डेबल एंटी एजिंग सीरम भी बन जाएगा। अगर आपको DIY फेयरनेस सीरम बनाना है आपकी स्किन को थोड़ा सा लाइट करना है तो लेमन ज्यूस रोज वाटर और ग्लिसरीन इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करके ये सीरम को आप पूरी रात आपके चेहरे या फिर आपके हाथ या पैर जो भी टैन हो गया है या आपको थोड़ा सा लाइट टोन लाना चाहते हो तो उस पर भी मिक्स करके पूरी रात लगाकर सुबह आप उसे पानी से वॉश कर सकते हैं। तो आई होप कि ग्लिसरीन के इतने सारे फायदे इतने सारे यूजेस आपको काम आएंगे और आपने कोई भी रेमेडी इसमें से ट्राई की है और आपको अच्छा सा रिजल्ट मिला है तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख भेजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।